तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिएक्ट नेटिव के सीरीज में। तो इस वीडियो में हम लोग एक फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंड सारे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेंगे जो भी हम लोग को इस प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ेंगी। ऑलराइट, चलो, बहुत काम करना है तो इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरे को प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एंड इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा एंड हम लोग प्रोजेक्ट का नाम देंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप क्लोन, क्लोन न्यू, एंटर। एंड अगेन हम लोग को कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। सो जैसे ही ये फिनिश हो जाता है मैं वीडियो को रिज्यूम करता हूँ एंड देयर वी गो। तो सबसे पहले हम लोग नेविगेट कर लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर। तो उसके लिए मैं टाइप करता हूँ cd व्हाट्सएप क्लोन न्यू। ऑलराइट, अब हम लोग इसके अंदर टाइप करेंगे। सबसे पहले एमुलेटर में ओपन कर लेता हूँ एंड ये रहा मेरा एमुलेटर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे npx react dash native run android। ओके, सो इससे हमारा apk इंस्टॉल होगा प्लस हमारा डेवलपमेंट सर्वर भी स्टार्ट होगा एंड इट्स ऑलमोस्ट डन। ये है मेरा डेवलपमेंट सर्वर, ये है एंड यहाँ पे ऐप ओपन हो रहा है। ओके, सो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको भी ओके वेट करते हैं कुछ सेकेंड्स और एंड देयर वी गो। ये रही हमारी वेलकम स्क्रीन। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको हम लोग किल कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे मैं VS Code इस डायरेक्टरी के अंदर ओपन करूँगा, तो उसके लिए मैं कोड डॉट टाइप कर सकता हूँ एंड इस वीडियो में हम लोग कोड कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ डिपेंडेंसी ही इंस्टॉल करेंगे। यस, ओके, सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डेवलपमेंट सर्वर को हम लोग किल करेंगे। ओके, एंड हाँ चलो इंस्टॉल करते हैं डिपेंडेंसीज जो जो जरूरत पड़ेंगी। तो मैंने सारे उसके टैब्स ओपन करके रखे हुए हैं। सो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इन सब पे आप इजीली नेविगेट कर पाओगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे रिएक्ट नेविगेशन ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि फ्यूचर में वर्जन 6 आने वाला है, तो मैंने वर्जन 6 के डॉक्स रीड किए एंड एज सच कोई मेजर यू नो डिफरेंसेस नहीं है। यस, सेम टू सेम है, जैसे वर्जन 5 में हम लोग यूज करते थे वैसा ही इसका भी कोड वैसा ही सेम है एग्जैक्टली। माइनर से चेंजेस होंगे बट जो मैं कोड लिखने वाला हूँ वर्जन 5 का यूज करके, वर्जन 6 में भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा वो कोड भी। ऑलराइट, तो वर्जन 6 में ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं आने वाले। ओके, बट वर्जन 5 एट द पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो स्टेबल है, तो हम लोग वही यूज करेंगे। ओके, एंड वर्जन 6 अगर फ्यूचर में आता है, वर्जन 6 स्टेबल बनता है, तो उसमें भी कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे, आप इजिली फॉलो अलोंग कर पाओगे। जो मेरा कोड होगा एंड आपका जो कोड होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। यस, ओके, हाँ तो उसको इंस्टॉल करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड में क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे ओके इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे राइट ओके कॉपी नहीं हुआ, कॉपी राइट क्लिक। ओके, यहाँ पे इसको इंस्टॉल करते वक्त मैं यहाँ पे @5 लिखूंगा, फिर भी सेफ साइड में रहने के लिए मेरा और आपका कोड दोनों का कोड हम लोगों का कोड सेम हो, इसलिए मैं यहाँ पे @5 लगा रहा हूँ। 5 वर्जन ही मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ऑलराइट, एंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं। अगेन ये लगाना ऑप्शनल है बट इससे मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि वर्जन 5 ही इंस्टॉल करो आप भी और मैं भी, ताकि हम दोनों सेम पेज पे रहें। ओके, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये नहीं, ये npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव एनिमेटेड गेस्चर हैंडलर ये सब इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको कॉपी करेंगे एंड जब ये हो जाएगा तब ये इंस्टॉल करेंगे हम लोग। सो ये हो गया, तो वर्जन जो इंस्टॉल हुआ है 5.9.3। ओके, ठीक है, बढ़िया है। अब जो मैंने ये कॉपी किया था, फिर से कॉपी राइट क्लिक एंड एंटर, ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं इतने सारे पैकेजेस। एंड एक और पैकेज की जरूरत पड़ेगी, हम लोग यहाँ पे आएंगे हेलो या हेलो रिएक्ट नेविगेशन में एंड ये स्टैक की, हम लोग स्टैक नेविगेटर यूज करेंगे, तो इसको भी कॉपी करेंगे एंड इसको भी राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अगेन इंस्टॉल करते वक्त मैं @5 लगाऊंगा। ऑलराइट, सो ताकि मेरा और आपका कोड दोनों का कोड हम लोगों का कोड सेम रहे।
अगेन वर्जन 6 में भी एज सच मेजर चेंजेस नहीं आएंगे, बट फिर भी सेफ साइड में रहने के लिए मैं एक्सप्लिसिटली रिएक्ट नेटिव को बोल रहा हूँ कि एट द रेट 5 वर्जन ही मेरे को यूज करना है रिएक्ट नेविगेशन का. ओके हाँ आई गेस दैट्स इट. अच्छा हाँ इतना ही है. उसके अलावा आई गेस मेरे को एक और चीज करनी है. अगर यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो हम लोग को ये इम्पोर्ट करना है इधर index.js और app.js में. तो चलो ये कर लेते हैं कंट्रोल सी एंड app.js में ही कर लेते हैं. यहाँ पे ऊपर में कंट्रोल वी कर देंगे. अगेन ये पूरा कोड हम लोग वैसे तो रिमूव करेंगे बट ये कोड हम लोग रिमूव नहीं करेंगे. ओके यस ठीक है. या लाइक ओके ठीक है इतना नेविगेशन के इतना काफ़ी है. इसके अलावा हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्ट नेटिव फायर बेस. ऑल राइट हाँ सो इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा. ओके सो चलो कॉपी करते हैं ये कंट्रोल सी एंड राइट क्लिक एंटर. ओके इसके अलावा चलो जब तक ये कॉपी जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग फायरबेस में भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उसको भी ऐड कर लेते हैं. ओके ठीक है सो ये मैं आया हूँ फायरबेस के कंसोल में. मैं यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट में क्लिक करूंगा एंड इस प्रोजेक्ट को नाम देंगे हम लोग व्हाट्सअप क्लोन. ऑलराइट ओके एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड हम लोग को एनालिटिक्स नहीं चाहिए इसको डिसेबल करते हैं एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ एंड देयर वी गो. सो अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं. हाँ सो फायरबेस हम लोग ऐड करेंगे हमारे एंड्रॉयड में. ओके मेरे पास iOS मशीन नहीं है प्लस मेरे पास अगेन iOS सिमुलेटर भी नहीं है तो मैं iOS में नहीं दिखा सकता. हम लोग एंड्रॉयड का ही प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे फायरबेस के कंसोल पे. ओके सो अब हम लोग को हमारे एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे डालना है पैकेज नेम डालना है तो वो हम लोग को मिलेगा एंड्रॉयड में आएंगे ऐप एंड आई गेस बिल्ड नहीं SRC एंड देन नहीं रुक जाओ ऐप यहाँ पे बिल्ड ग्रेडल में शायद रहता है क्या. हाँ ये रहा कॉम व्हाट्सएप क्लोन ये है हमारा ऐप आईडी. ऑल राइट इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी एंड यहाँ पे कंट्रोल वी एंड निक नेम देना है तो अगेन व्हाट्सअप क्लोन नाम दे देते हैं एंड रजिस्टर ऐप. ओके सो अब हम लोग यहाँ पे ये गूगल सर्विसेज जेसन फाइल डाउनलोड करनी है. डाउनलोड कर लो इसको. एंड ये डाउनलोड हो गई. अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं. इसको हम लोग को डालना है हमारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड ग्रेडल में. ओके एक स्टेप पीछे चलते हैं तो इसको हम लोग को कहाँ पे डालना है ऐप और ऐप के अंदर हम लोग को ये. ओके ठीक है यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ एंड ये रहा कॉपी एंड ये है मेरा व्हाट्सएप क्लोन एंड इसके अंदर एंड्रॉयड एंड देन ऐप एंड यहाँ पे हम लोग को पेस्ट करना है. ऑलराइट हाँ एंड्रॉयड एंड ऐप के अंदर यहाँ पे भी लिखा होगा कहीं पे. ये रहा डाउनलोड गूगल सर्विसेज इनसाइड यहाँ इस लोकेशन में डालना एंड्रॉइड ऐप एंड ऐप के अंदर ये फाइल होनी चाहिए. ऑलराइट ओके चलो वापस से चलते हैं कंसोल पे और क्या करना है हम लोग को. नेक्स्ट पे क्लिक कर दो. अगेन यहाँ पे भी हम लोग रीड कर सकते हैं या तो हम लोग यहाँ पे रीड कर लेते हैं. ओके उसके बाद हम लोग को यहाँ पे उसके बाद जाना है बिल्ड ग्रेडल में एंड्रॉइड एंड देन बिल्ड ग्रेडल एंड उसके अंदर ये डालना है लाइन. ओके सो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी एंड ओके सो एंड्रॉइड के अंदर है ये बिल्ड ग्रेडल एंड यहाँ पे हम लोग को डालना है. बिल्ड स्क्रिप्ट डिपेंडेंसीज मतलब यहाँ पे इसके नीचे कंट्रोल वी. ओके सेव कर देते हैं इसको एंड उसके अलावा हम लोग एंड्रॉइड ऐप और बिल्ड ग्रेडल में जाके ये लाइन ये डालना है कंट्रोल सी. सो इस बारी ऐप के बिल्ड ग्रेडल में ऐप एंड देन बिल्ड ग्रेडल एंड ऊपर में यहाँ पे
कंट्रोल वी कर देता हूँ मैं। ऑल राइट, इसको भी सेव कर दो, अगेन क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। ये फायरबेस ऐड हो गया हमारे प्रोजेक्ट में। एंड या लाइक बाकी आईओएस के लिए, अगेन तो मेरे पास मैक ओएस नहीं है तो मैं आईओएस का नहीं दिखा सकता। ओके, बट आप लोग डॉक्स रीड कर सकते हो एंड देन आईओएस में भी, आईओएस के लिए भी सेटअप कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है कोई। हाँ, ये हो गया रिएक्ट। ओ नहीं 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 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है एक्चुअली। हम लोग को जो जो फीचर्स इसके यूज़ करेंगे वो भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। हम लोग ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे सो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यार बहुत मेहनत है। npm इंस्टॉल, राइट क्लिक, एंटर। हाँ, इसके बाद ओके। एंड इसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग ऑथेंटिकेशन, हम लोग ऑब्वियसली फायर स्टोर यूज़ करेंगे। सो इसको भी कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। राइट क्लिक, npm इंस्टॉल, एंटर। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग ये फायर स्टोर यूज कर रहे हैं तो हम लोग जब हमारा रन एंड्रॉइड टाइप करेंगे तो हम लोग को ऐसा कुछ एरर आएगा। ओके, सो ये एरर ना आए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एनेबल मल्टी डेक्सिंग पे। एंड यहाँ पे जो स्टेप्स लिखे हैं वो हम लोग फॉलो करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग को जाना है एंड्रॉयड ऐप बिल्ड क्रेडल में एंड डिपेंडेंसीज के अंदर, ये हम लोग को डालना है। ओके, सो यहाँ पे आना है हम लोग को एंड्रॉयड एंड देन ऐप, है ना, एंड्रॉयड ऐप, यस, ऐप के अंदर है बिल्ड क्रेडल एंड एंड्रॉयड, और एंड्रॉयड में डिफॉल्ट कन्फिग्स के अंदर ये। ओके, सो हम लोग में भी यहाँ पे डाल लेते हैं। ऑल राइट, हाँ, इसके अलावा ये भी हम लोग को डालना है, कंट्रोल सी। कंट्रोल वी। ओके, लेट्स सेव दिस। हाँ, इसके अलावा ये थर्ड स्टेप ऑप्शनल है, अगर हम लोग को एरर मिलेगा तो ये भी फॉलो कर लेंगे। ऑल राइट, हाँ, उसके बाद हम लोग और क्या यूज़ करेंगे, हम लोग ऑथेंटिकेशन, हम लोगों ने ये क्लाउड स्टोरेज इंस्टॉल कर लिया ना, ये फायर स्टोर इंस्टॉल कर लिया। हाँ, उसके बाद ये क्लाउड स्टोरेज भी हम लोग यूज़ करेंगे इमेजेस वगैरह अपलोड करने के लिए। सो इसको भी करते हैं कंट्रोल सी एंड npm इंस्टॉल, राइट क्लिक, एंटर। ओके, हाँ, अब हम लोग चलते हैं इस लाइब्रेरी पे, रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर। इसका मैं गिटहब एक्चुअली ओपन करता हूँ, सही रिपोजिटरी पे आए हैं ना हम लोग। हाँ यही है। ओके, इसको क्लोज कर दो, यही इंस्टॉल करना है हम लोग। ओके, सो इसको अगेन मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी एंड, हाँ यही है रिपोजिटरी। ओके, सो अगेन npm इंस्टॉल, राइट क्लिक, एंटर। ओके, हाँ, इसके बाद अगेन इसमें हम लोग को कुछ नेटिव कोड में चेंजेस नहीं करने हैं इस लाइब्रेरी के लिए। उसके बाद हम लोग ऑब्वियसली रिएक्ट नेटिव पेपर, इसको कैसे भूल सकते हैं। ओके, सो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं एंड अगेन इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, राइट क्लिक, एंटर। ओके, इसके बाद वेक्टर आइकॉन्स, यस, ये भी हम लोग को करना है। हाँ, ये मैं कॉपी करता हूँ, npm इंस्टॉल एंड अगेन राइट क्लिक,
एंटर। ऑल राइट, एंड इसमें हम लोग को यस ये करना पड़ता है। एंड्रॉयड के लिए हम लोग को यहाँ पे ये लाइन डालनी पड़ती है, कंट्रोल सी, ऐप, एंड्रॉयड ऐप और बिल्ड ग्रेडल में। ओके, सो एंड्रॉयड ऐप और ऐप के अंदर है बिल्ड ग्रेडल। ओके, यहाँ पे हाँ। ओके, सो यहाँ पे ऊपर ऊपर में डाल लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई, कंट्रोल वी। ऑल राइट, लेट्स सेव दिस। हाँ, एंड ये इंस्टॉल हो गया क्या? ओके, ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लाइब्रेरी, रिएक्ट नेटिव गिफ्टेड चैट। तो हम लोग ऑब्वियसली चैट स्क्रीन के लिए ये लाइब्रेरी का यूज कर देंगे। एक नंबर मस्त लाइब्रेरी है, मजा आ जाएगा, बहुत काम हम लोग का इस ये लाइब्रेरी हम लोग का काम आसान कर देगी। यस, तो ये हम लोग को इंस्टॉल करेंगे, या ये रहा npm इंस्टॉल, कंट्रोल सी एंड राइट क्लिक, एंटर। आखिरी लाइब्रेरी थी ये। एंड अगेन हम लोग को कुछ नेटिव कोड में चेंज नहीं करना है ना, बस इंस्टॉल करना है। यस यस ओके। हाँ, सो जितने भी डिपेंडेंसीज हम लोग को यूज करेंगे जो हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में, वो सब हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया। फाइनली हम लोग को ये जो हम लोगों ने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की हैं, तो हम लोग को लिंक करना पड़ेगा ये सब नेटिव कोड के साथ। तो अगेन हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे npx React डैश नेटिव रन एंड राइट। अरे टाइप नहीं हो रहा है, npx React डैश नेटिव रन एंड राइट। तो इससे हमारी लिंकिंग होगी, ये जो भी हम लोगों ने डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है ये हमारे नेटिव कोड के साथ लिंक होंगे। तो उसके लिए हम लोग को अगेन रन एंड्रॉयड टाइप करना पड़ेगा, एंड इससे एक फ्रेश एपीके बिल्ड होता है एक्चुअली। हाँ, एंड इट्स डन। तो अगर इस प्रोसेस के दौरान अगर आप लोग को कोई एरर आता है, सो आप ऐप अनइंस्टॉल करना एंड देन फिर से रन एंड्रॉयड टाइप करना। अगर इन केस कोई एरर आता है, तो मेरे को तो नहीं आया, हो सकता है आप लोग को आए, कभी कभी आता है ना। या सो अगेन मैं जानता हूँ जो भी हम लोगों ने इस वीडियो में किया बहुत ही बोरिंग था। अगेन मैं कंप्लीटली मानता हूँ, बिल्कुल मज़ा नहीं आया मेरे को भी ये सब करने में, बट ट्रस्ट मी नेक्स्ट वीडियो से बहुत मज़ा आएगा जब हम लोग एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करेंगे। सो मिलता हूँ फिर आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में।